नमस्कार, माय डिश माय जायका डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घिया का रायता। घिया का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लौकी ली है और इसे मैंने छीलकर और आधा इंच के टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। 400 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है, ये दही मैंने फेंटा हुआ दही लिया है। आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो मिर्च काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने ये 1/4 छोटा चम्मच मैंने काला नमक लिया है। 3-4 बूंद मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का ऑयल आप लेते हैं तो इससे रायते का स्वाद और भी अच्छा होता है। और ये मैंने एक कोयला लिया है। तो हम जो ये रायता बनाएंगे, सीधे सिंपल तरीके से हम रायता बनाएंगे, इसमें हम तड़का नहीं लगाएंगे। और अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो आप जो हमने ऑयल लिया है 2-3 बूंद, उसकी जगह आप 1 चम्मच ऑयल ले लें और उसमें या तो आप जीरे का या फिर राई का, किसी भी चीज़ का आप तड़का लगा सकते हैं। रायता बनाने के लिए हमारे पास जो कटी हुई घिया है उसे हम एक बर्तन में डालेंगे और उसमें लगभग 1.5 से 2 कप पानी हम उसके अंदर डालेंगे और उबालेंगे। लेकिन हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और गैस को ऑन करने के बाद हम उसके ऊपर इस कोयले को रख देंगे, जिससे कि जब तक हमारी घिया उबल कर तैयार होगी तो हमारा कोयला है ये भी जल जाएगा, इसकी भी आँच बन जाएगी। तो हम इसी से तड़का लगाएंगे रायते के अंदर। तो एक भगोने के अंदर हम थोड़ा सा पानी लेंगे 1.5 से 2 कप और उसी के अंदर घिया को हम डाल देंगे और फिर हम इसे ढककर और उबालेंगे। ये घिया उबलने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। और अगर घिया कच्ची है तो और भी जल्दी उबल जाएगी। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में उबाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में उबालने के लिए आप इतना ही पानी, इससे भी कम पानी आप ले सकते हैं और सिर्फ आप 2 सीटी लगवा लें तो हमारी घिया और भी जल्दी उबल जाएगी। लेकिन हम भगोनी में ही इसको उबालेंगे। घिया के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे ढक देते हैं। और ये हमारी लौकी है, ये उबल कर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और लौकी के साथ ही हमने जो कोयला रखा था वो भी जल गया है, वो भी आँच में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इन दोनों को काम में लेंगे और रायता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लौकी को छानेंगे, इसका पानी हम निकाल देंगे। छलने को किसी बर्तन के ऊपर रखेंगे और ये हम लौकी को छान लेंगे और हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम इसे अच्छे से निचोड़ेंगे, इसके अंदर जो भी पानी है उसे अच्छे से निकाल देंगे। और हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें लौकी को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा, सिर्फ एक बार हम हल्का सा घुमाएंगे, जिससे कि लौकी है वो बहुत ज़्यादा पिसे भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहे। तो हम इसे थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, जिस तरह की हम लौकी को कद्दूकस करते हैं। और अगर हम कद्दूकस करके उबालते हैं लौकी को तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, मैंने लौकी को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। तो अब हम रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए हम कोई भी ढक्कन वाला बर्तन लेंगे कि जो या कोई भी भगोनी हम लेंगे। और हमने जो कोयला लिया है, कोयले की आँच हमने बनाई है, उसके ऊपर जो हमने 2-3 बूंद ऑयल लिया है उसमें से थोड़ा सा ऑयल हम इस पे डालेंगे। 2-3 बूंद ऑयल हम डालेंगे और देखिए जैसे ही धुआं निकलेगा, कोयले से जैसे ही धुआं निकलता है तो हम बर्तन को इसके ऊपर रख देंगे। ये मैंने बर्तन को उल्टा इसके ऊपर रख दिया है। ये बर्तन को उल्टा रखने से जो हमने कोयले के ऊपर ऑयल डाला है उससे जो धुआं निकलेगा वो धुआं बर्तन के अंदर आएगा। और हम जैसे इसको सीधा करेंगे और ढक्कन लगा देंगे तो इसे हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट तक उल्टा रखना है। ये जो मैं लौकी का रायता रेसिपी बना रही हूँ, ये रेसिपी मैंने अपनी दादी से सीखी थी।
जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी तब मेरी दादी को मैं इस तरह से रायता बनाते हुए देखती थी, और वो जो दादी के हाथ का बना हुआ रायता होता था वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था। तो बट दादी जैसा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दादी जैसा रायता, दादी के हाथ जैसा रायता ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कई बार इस तरह से रायता बनाया है, अच्छा बनता है। और अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए, और अब हमारे पास जो फेटा हुआ दही है उसे हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से थोड़ा 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 सा ढक्कन हटाकर और हम डालेंगे, और वापस हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से पकड़कर और हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं हिलाएंगे। थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही ढके हुए रखेंगे, और अब हम ढक्कन को हटाएंगे। और अब हम लौकी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। लौकी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये मैंने काला नमक लिया है, तो आप इसकी जगह चाहें तो अपने जो सादा नमक होता है वो डाल सकते हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये हमारा लौकी का रायता बनकर तैयार हो गया है। रायते से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मेरा लौकी का रायता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल mydishmyjaika.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।